हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। आज का दोस्तों मेरा टॉपिक है एक अच्छी बेटी कैसे बने। वैसे तो हमारे देश की बेटियां अच्छी हैं ही, लेकिन मैं आजकल का जो परिवेश है, वातावरण है, इसमें बेटियों की परवरिश भी बेटों के समान हो रही है। तो ऐसे में बेटी की अपनी जो क्वालिटी है वो कहीं खो ना जाए, इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ कि एक अच्छी बेटी कैसे बने। जितनी भी टीनेजर गर्ल हैं, बेटियाँ हैं, उनके लिए आज मेरा वीडियो है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं बताऊँगी, लिसन टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की सुनो, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स गलत नहीं होते, वो आपके भले के लिए कहते हैं। अगर वो पढ़ने के लिए बोलते हैं तो भी ये आपके फ्यूचर के लिए है। अगर वो स्कूटी धीरे चलाने के लिए बोलते हैं तो भी आपके फ्यूचर के लिए है। यदि वो किसी पे पूरी तरह से ट्रस्ट करने नहीं बोलते हैं तो भी आपके फ्यूचर के लिए ही बोलते हैं, आपके भविष्य के लिए ही बोलते हैं, आपके भले के लिए ही बोलते हैं। इसलिए आपको अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। सेकेंड पॉइंट्स है, बी रिस्पॉन्सिबल। हाँ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक आप हो गई हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकती हैं। जैसे कि आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको आप पढ़ा सकती हैं क्योंकि आप वेल एजुकेटेड हैं, उनसे बड़ी हैं। या मम्मी अगर घर से बाहर से आ रही है, मार्केट से, बाज़ार से, तो आप उन्हें प्रेम से बैठा के चाय या कॉफ़ी के लिए पूछ सकती हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको एक गिलास पानी दे सकती हैं। ऐसा नहीं कि मम्मी मार्केट से आई है और आप अपने मोबाइल पे लगी हुई हैं या उनकी उन्हें देख भी नहीं रही हैं, कि वो डिमांड कर रही हैं कि मम्मी मैंने फुचका के लिए कहा था, चॉकलेट के लिए कहा था, क्या आप लेकर आई हैं, और नहीं वो भूल गई या नहीं लेकर आई तो उनसे नाराज़ हो रही हैं। एक बार आप सोचिए कि आपकी माँ, आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना कुछ करते हैं। तो अगर वो बाहर से थकी हारी आती है तो आप उन्हें अगर प्यार से चाय कॉफ़ी के लिए पूछ लोगे तो उनकी खुशी के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते। तो ये आपको करनी चाहिए, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की आपको भी लेनी चाहिए। और यदि पापा ड्यूटी में हैं, थके हारे आते हैं, तो उनको भी चाय नाश्ता के लिए आपको पूछना चाहिए, कम से कम थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट्स है, बी अंडरस्टैंड। आप अब समझने लायक हो गई हैं क्योंकि आप टीनेजर हैं, बड़ी हो गई हैं, तो आप अब अपने घर की इकोनॉमिक स्थिति, हालात जो है, पापा की क्या पोजीशन है, मम्मी की क्या है, और घर कैसा है, घर के सदस्य कैसे हैं, और आपको अपने घर के लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आप समझने लायक हो गई हो। तो आपको एक समझदार बेटी भी बनना है, आप समझदार बने। अब बचपना जो हरकत होती है, किसी चीज़ के लिए रूठ जाना या मम्मी पापा को परेशान करना, ज़िद करना, बहस करना, तो बेकार की बहस से आप बचें और बेकार की ज़िद भी करना छोड़ें, क्योंकि आप बच्ची नहीं हैं। आप अब समझ सकती हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। तो आप गलत सही की पहचान करें और अपनी मम्मी पापा का हेल्प भी करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। इस तरह से आप एक अच्छी बेटी बन सकती हैं। फोर पॉइंट्स है कि आप जो है अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें। हाँ, रिस्पेक्ट करना पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेरेंट्स ही आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करना तो बनता है। ऐसा नहीं है कि मम्मी कुछ बोल रही है तो आप उनको उल्टा सुना दो। अगर वो पढ़ने के लिए बोलती है, आपकी भलाई के लिए बोलती है, या कुछ आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, हमेशा चाउमीन बर्गर वगैरह खा रहे हो, तो घर के खाना दाल पीने के लिए कहती है, कुछ कहती है ऐसा, तो आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। क्योंकि जब आप बीमार पड़ जाते हो तो आपका ख्याल कौन रखता है, आपके पेरेंट्स रखते हैं, मम्मी या पापा कोई एक। तो आपको अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनका ख्याल भी रखना चाहिए, और वो क्या बोल रहे हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए, उनसे बहस नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप अपने पेरेंट्स को जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया है, सभी लोग बोल रहे हैं कि हाँ मेरी ये बेटी, आपकी बेटी जो है बहुत अच्छा रिजल्ट की है, पढ़ने में बहुत तेज़ है, बहुत अच्छी है, तो तुरंत अपना ये क्रेडिट अपने मम्मी पापा पेरेंट्स को दें कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं, ऐसे सिखाया है, इसलिए मैं
तेज हूँ, जो कुछ भी हूँ अपने पेरेंट्स की बदौलत हूँ। ऐसा करने से आपके पेरेंट्स आपसे बहुत खुश होंगे, उन्हें ऐसा फील होगा कि मेरी बेटी हमारा कितना रिस्पेक्ट करती है, और आपका प्यार और गहरा होते जाएगा, इस तरह आप अच्छी बेटी बन जाएंगी। 5 पॉइंट्स मैं बताऊंगी कि हेल्प करें, अपने पेरेंट्स का जितना हो सके आप हेल्प करें। जैसे कि आपके पापा ने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, तो आपके पास डिजिटल नॉलेज है, आपको मोबाइल चलाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, लैपटॉप चलाना भी आता है, तो कभी पापा को ज़रूरत हो ऑफिशियल वर्क का, उन पे वर्कलोड ज़्यादा हो, तो आप अगर बड़ी हो गई हैं, अब तो टीनेजर बेटियां हैं, बेटी बड़ी हो गई हैं, तो आप एक अच्छी बेटी का भूमिका अदा करें और अपने पापा के काम में भी हेल्प करें, और उन्हें भी नए टेक्नोलॉजी जो नॉलेज आपके पास है उनके साथ शेयर करें और बांटें, और कुछ नया करने की कोशिश करें, जिससे कि पापा को भी आपके पेरेंट्स को भी प्राउड फील हो कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है, कितना सोचती है और मेरा हेल्प भी करती है। और मम्मी के छोटे मोटे कामों में, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स का आजकल कंप्लेंट रहता है कि एक रोटी भी बनाना मेरी बेटी को नहीं आता, तो कम से कम एक रोटी भी बनाकर अपने पेरेंट्स को खिलाए, एक वक्त का खाना भी अगर आप बनाकर अपने पेरेंट्स को खिलाती हैं तो आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छा फील होगा। तो एक अच्छी बेटी बनना चाहती है तो कभी कभी खाना बनाकर, एक वक्त का भी खाना अपने पेरेंट्स को बनाकर खिलाएं। आप जैसा भी खाना बनाओगे लेकिन उसका मिठास आपके पेरेंट्स के मुंह में इतना अच्छा उन्हें लगेगा कि उसका वो कोई, उनके पास शब्द नहीं होंगे कि क्या तारीफ़ करूं, और आपको हक कर लेंगे, बहुत प्यार करेंगे। तो इस तरह से आप एक अच्छी बेटी बन सकती हैं। बहुत सारे टिप्स मैंने बताए हैं, पेरेंट्स का हेल्प करके, रिस्पेक्ट पेरेंट्स करके, उनकी बात सुनकर, खाना बनाकर, उनकी हेल्प करके, तो इस तरह से आप एक अच्छी बेटी बन सकती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप हैं उसमें शेयर करें कि ताकि उन्हें भी पता चले एक अच्छी बेटी में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और जितने भी बच्चे टीनेजर गर्ल्स हैं, बच्चियां हैं, वो अपने पेरेंट्स के प्रति कैसे मतलब हेल्प करें, कैसे अच्छी बेटी बने, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।